हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी जे 2018 का पेपर। अभी जो 16 अप्रैल को हुआ है 2022, इसका हम इंग्लिश पोर्शन जो पेपर फर्स्ट में आया था, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश के थे 25 और एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क था। टोटल 50 मार्क के हमारा पेपर था इंग्लिश का। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 तक इंग्लिश का है, इसके पहले हिंदी है जिसका सलूशन हम कर चुके हैं। तो ठीक है, यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ वर्ड जो रेगुगिएटेड। रेगुगिएटेड मीन्स यहाँ पे हो जाएगा इसका सिनोनिम पूछा है। इसका सिनोनिम यहाँ पे ओमिट, उल्टी। रेगुगिएटेड मीन्स ओमिट, ऑप्शन डी सही होगा 26 का। और 27th नंबर है, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द वर्ड मिक्सचर। मिक्सचर मीन्स किसी चीज़ को मिलाना, तो इसका एंटोनिम सेपरेशन, किसी चीज़ को अलग अलग करना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 28 नंबर है हमारा, आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर द वर्ड बिनिग। बिनिग बिनिग नहीं, यहाँ इसका सिनोनिम हमारा यहाँ पे फेवरेबल होगा, जो आपके फेवर में, आपके पक्ष में हो। बिनाइग मीन्स फेवरेबल, जो आपके पक्ष में। और 29 नंबर है हमारा, चूज द सेंटेंस विच हैज़ द करेक्ट पंचुएट। तो करेक्ट पंचुएट है वह सेंटेंस हमारा कौन सा है, द वुमेन बॉट मेनी वेजिटेबल्स, ब्रिंजल्स, पोटैटो, टोमेटो एंड कुकम्बर। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, वेजिटेबल के बाद इसको हम डबल डॉट जो है ये वाला यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या सभी में यूज कर दिया, और इसमें भी सभी का स्थान पे कामा लगा दिया, क्योंकि वेजिटेबल है। वेजिटेबल के अलावा वेजिटेबल कौन सा नाम है उनका दे दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए ही सही है। ठीक, 29 हो गया। अब हम आ जाते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा, चूज द मीनिंग ऑफ इटैलिक आइडियम इन द गिवन सेंटेंस। इटैलिक वर्ड लिखे गए हैं तिरछे में, इनका हम आइडियम्स क्या है इसका, वन इन ए ब्लू मून। वन इन ए ब्लू मून इसका एंटोन जो हमारा आइडियम हो जाएगा, वंस इन ए वाइल, ऑप्शन सी हो जाएगा, वंस इन ए वाइल। और 31 नंबर है, चूज द मीनिंग ऑफ द इटैलिक, यहाँ भी इसका आइडियम बताना है, कीप्स द पॉट बॉइलिंग। कीप्स द पॉट बॉइलिंग, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं, ही हैज बीन जॉबलेस सिंस द फैक्ट्री क्लोज बट हिज वाइफ वर्क एज ए सीमस्ट्रेस एंड कीप द पॉट बॉइलिंग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, मेक श्योर दैट फैमिली इज नॉट स्टार्विंग, फैमिली भूखी नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ओके, अब 32 नंबर है, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द वंस गिवन। गिवन वंस, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस हमें चुनना है। तो माय फ्रेंड्स बॉट ब्लू स्क्वायर ह्यूज एंटीक डायमंड इयररिंग्स, और माय फ्रेंड्स बॉट ए पेयर ऑफ ह्यूज स्क्वायर एंटीक ब्लू डायमंड इयररिंग्स। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ए पेयर ऑफ ह्यूज वाला। ठीक, अब 33, 26 हो गया, एक मिनट, 26, अच्छा फिर से वही बन लग गया है, 26 ये वाला हमारा हो गया है 30 नंबर तक। अब 33 नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, एग्जाम डैश टूडे फॉर द डिग्री स्टूडेंट। एग्जाम जो एग्जाम्स, यहाँ पे जो हमारा प्लूरल नंबर है एग्जाम्स, टूडे फॉर द डिग्री स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, बिगिन होगा, और यहाँ पे बिगिन्स नहीं होगा, प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल वहाँ पे वर्ब भी आएगी, बिगिन, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। ठीक, और यहाँ पे बिगिन होगा नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, एग्जाम्स टुडे फॉर द डिग्री स्टूडेंट आज ही है। ओके, और बिगिनिंग जो कॉन्टिन्यूस है ना, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा।
और 34th नंबर है हमारा, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज एन एरर, द सेफ्टी मैकेनिज्म फेल्ड इन बिल्डिंग कैच द फायर, बिल्डिंग कैच द फायर। तो यहाँ पे जो हमारा एरर पार्ट है उसको बताना है, सेफ्टी मैकेनिक्स फेल्ड, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा पास्ट में है, तो कैच द फायर के स्थान पे कैच्ड द फायर, यही हमारा गलत है। यह भी हमारा सेकंड, उसमें पास्ट इंडेफिनिट में होगा, सेकंड में, सेकंड फॉर्म कैच का कैच्ड हो जाएगा। और 35 नंबर है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज एन एरर, ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही वॉक्स 20 माइल्स डेली फॉर हिज स्कूल, इसमें कौन सा हमारा एरर है, तो ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही वॉक्स 20 माइल डेली। तो यहाँ पे देखो हमारा सेकंड फॉर्म है, टेल टोल्ड तो पास्ट इंडेफिनिट है, और यहाँ पे वॉक्स लगा दिया, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिया, यहाँ यहीं पे हमारी गलती हो गई, वॉक के स्थान पे वॉक्ड हो जाएगा, WALKED। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो बी है यही गलत है, 35 का बी रॉन्ग हो जाएगा। 36 नंबर है, चूज द मीनिंग ऑफ इटैलिक आइडियम यूज द गिवन सेंटेंस, ही डिड नॉट ऑल द फॉर्मेलिटीज क्विकली एंड डिड नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट एज ही सोल्ड हिज प्रॉपर्टी इमीडिएटली, लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा डू द वर्क स्लोली, किसी चीज़ को अगर आप दबा देंगे तो धीरे धीरे वहाँ से घास निकलेंगे, जैसे ग्रो द फीट अपने जमीन के नीचे पैर के नीचे दबा देना, यहाँ पे ऑप्शन डू द वर्क स्लोली हो जाएगा, ठीक। 36 हो गया। अब 37th नंबर है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज एन एरर, द फैब्रिक वाज सो सॉफ्ट दैट इट पास्ड इन द फिंगर रिंग, दैट इज पास्ड इन द फिंगर रिंग। तो यहाँ पे होगा, इसी में हमारा गलत होगा, पास्ट इन द, इन यहाँ पे नहीं लगेगा, पास्ट इन द, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अब 38 नंबर, यहाँ पे हमारा पैसेज दिया है, इस पैसेज के अकॉर्डिंग पूरा पैसेज पढ़ लेंगे, फिर पैसेज से हमारा 2-3 क्वेश्चन बनाया होगा, इसी पैसेज से हमारा 38 नंबर है, DRGN फर्स्ट इज ऑप्टेन फ्रॉम दी कोमोडो ड्रैगन्स, तो इस यह हमारा किससे ऑप्टेन किया गया था, DRG1 तो GN1 तो हमारा प्लाज्मा, जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें आएगा प्लाज्मा, ये हमारा प्लाज्मा से प्राप्त किया गया था। और 39 नंबर है, द नेम्ड कोमोडो ड्रैगन वाज क्वाइंड बाय, तो कोमोडो ड्रैगन वाज जो हमारा किसके द्वारा क्वाइंड किया गया था, कोमोडो, तो इसमें पैराग्राफ में एक आएगा डगलस बर्डन, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, डगलस बर्डन द्वारा इसको हम क्वाइन किया गया था इसको। और फिर है 14th नंबर, द कोमोडो ड्रैगन इज बेसिकली ए, कोमोडो ड्रैगन ये बेसिकली एक लिजार्ड है, छिपकली लिजार्ड, इसी पैसेज में है। अब इस पैसेज से हमारा 3 क्वेश्चन, अब सेकंड पैसेज एक पैसेज और दिया है, उससे भी हमारा 1-3 क्वेश्चन उससे भी दिया है। तो अभी ये पैसेज है यहाँ तक, ठीक है, इस पैसेज को आप पढ़ लेंगे। 41 नंबर है, द वर्ड सिस्मोलॉजी वॉज क्वाइंड बाय, सिस्मोलॉजी किसके द्वारा हमारा क्वाइंड किया गया था, इसका ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट मैलेट, जो रॉबर्ट मैलेट ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। और जो 42 नंबर है हमारा, द डिस्कवरी ऑफ अर्थ कोर वाज रिजल्ट ऑफ स्टडी, डिस्कवरी ऑफ अर्थ कोर वाज रिजल्ट ऑफ स्टडी बाय, किसके द्वारा किया गया था स्टडी, ये रिचर्ड डिक्सन ऑल्डहॉर्न के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है। और इस पैसे से हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द फर्स्ट नोन सिस्मोस्कोप जो ओन्स डिजाइन बाय, सिस्मोस्कोप
वाज डिजाइन बाय, किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ये किया गया था जांग हेंग के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, जांग हेंग के द्वारा फर्स्ट सिस्मोस्कोप वो जो डिजाइन किया गया था। ठीक, अब 44th नंबर, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज एन एरर। एरर किस में है? ऑल द एनिमल्स रैन फॉर सेफ्टी व्हेन द लायंस रोर इन द जंगल, व्हेन द लायंस रोर इन द जंगल। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी, रैन फॉर सेफ्टी, रैन फॉर सेफ्टी व्हेन द लायंस रोर्स इन जंगल। यहाँ पे जो हमारा सेकंड फार रन लग गया है, सेकंड नहीं यहाँ पे फर्स्ट लगेगा, रन फार सेफ्टी व्हेन द लायन रोर्स ग्रस्ता है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट है प्रेजेंट इनडिफिनिट में है तो अभी प्रेजेंट में ही चला जाएगा, रन फार सेफ्टी यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। 45 नंबर है, चूज द सेंटेंस विच हैज बीन करेक्टली पंचुएटेड, करेक्टली इसमें कौन सा पंचुएट है? तो यहाँ पे वी स्टे इन जैसलमेर कामा राजस्थान, फिर डबल डॉट के साथ इसको हम इंदौर, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सही इसका हमारा सी वाला हो जाएगा, वी स्टेड इन जैसलमेर कामा राजस्थान, फिर इंदौर कामा मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश में, फिर सरपुर कामा कर्नाटक, फिर बिफोर गोइंग टू दिल्ली, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। अब फिर हम आते हैं 46 नंबर, 46 नंबर है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ वर्ड फ्रीट, एफ आर ई आई जी एस टी, किसी चीज़ को ढोना, फ्रीट मीन्स किसी चीज़ को ढोना, तो इसका सिनोनिम हमारा हो जाएगा शिपमेंट, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढुलाई करना, ऑप्शन बी सही होगा। 47 नंबर है, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ वर्ड डिबीस, डिबीस का एंटोनिम हमारा यहाँ पे एग्जॉल्ट है, ई एक्स ए एल टी, इसका एंटोनिम हो जाएगा। और आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिसरिप्यूट, डिसरिप्यूट का एंटोनिम हमारा यहाँ पे इस्टीम हो जाएगा, ऑप्शन ए। और 49th नंबर है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर द वर्ड रिक्वाइल, रिक्वाइल, रिक्वाइल का हमारा हो जाएगा रिटर्न, इसका सिनोनिम रिटर्न हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा इंग्लिश का, आइडेंटिफाई द एंटोनिम फॉर द वर्ड पोस्ट डेट, कोई चीज़ बीत गई हो पोस्ट डेट, तो उसका एंटोनिम हमारा हो जाएगा प्री डेट, क्योंकि प्री डेट ऑप्शन में नहीं है, या एंटी डेट, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी से हो जाएगा। ओके फ्रेंड, ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।